भारतीय जनता पार्टी को आपका सहयोग की जरूरत है और जिस तरह इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश को श्रेष्ठ बनाने में लगे, देश को आगे बढ़ाने में लगे, अब बिहार को भी बदलने की जरूरत है सर। और आप समझिए, हम लोगों ने तो कई बार जनसंघ के लोगों ने 1970 के जमाने में 77 में आदरणीय कपूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा के नेता थे उनको बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम किया। लालू प्रसाद जी को 1990 के दौर में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और नीतीश बाबू ने लवकुश 1994 में बना था। नीतीश बाबू को 5 बार, एक बार नहीं, 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बने साथियों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे इस संकल्प के लिए आपके समर्थन की जरूरत है साथियों, हम आपके सहयोग की जरूरत है। यहां बैठे हैं आदरणीय प्रणव यादव जी जो लगातार मुंगेर में विधायक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे साथी। आज साथियों क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां कपूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा करती है, लालू प्रसाद जी को करती है, लेकिन दूसरे तरफ आरक्षण का रोल समझिए, लालू जी रोज हल्ला करते हैं कि आरक्षण जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण घटने नहीं दूंगा। लेकिन आप पूछिएगा, कभी कोई राजद के कार्यकर्ता आपके बीच में आते हो, लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी कभी आरक्षण देने का काम किसी वर्ग को नहीं किया, ना अति पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना उच्च जाति के गरीब को, ना ओबीसी वर्ग को साथी, एक वर्ग नहीं जिसको 15 वर्ष तक लालू जी किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया साथी। लेकिन जब जब भाजपा का आरक्षण का मॉडल आया, चाहे वो कपूरी ठाकुर जी सर दे, कपूरी ठाकुर जी का राज हो, तब भी जो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया तब भी भाजपा जनसंघ सहयोग कर रही थी। मंडल कमीशन आया साथियों, राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज ओबीसी का 3 बेटा ही देश का सेक्रेटरी है, इसके लिए कौन पाप किया, इसके लिए पाप राजीव गांधी जी ने किया, इसके लिए पाप किसने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उनके परदादा पंडित नेहरू ने किया। यदि इन लोगों ने आरक्षण आज से 50 साल पहले दिया होता तो आज देश में सेक्रेटरी आधा से अधिक ओबीसी समाज से होता सर। तो आज कांग्रेस पार्टी कितने चीजों के लिए माफी मांगेगी और कितने पाप को कहेगा, आज यदि देश विकसित नहीं हुआ उसके भी दोषी कांग्रेस पार्टी है सर। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ही फॉर्मूला है, आरक्षण किसको देना है, जब लालू जी गद्दी से हटे तो कहे मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी और जब पत्नी हटी तो कहा कि मेरा छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और फिर जब छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया तो कहा दूसरा बेटा मेरा मंत्री बनेगा। और आरक्षण का मॉडल यही है, जब पटना के पाटलिपुत्रा क्षेत्र से उनकी बेटी चुनाव हार गई तो कहा कि लालू जी ने कहा मेरी बेटी राज्यसभा बनकर एमपी बनेगी, यही है आरक्षण मॉडल साथी। कोई आरक्षण आपकी चिंता नहीं है, लालू जी के लिए एक ही आरक्षण है, अपने घर, किसी का दूसरा नहीं, कोई समाज की चिंता नहीं है साथी। और हम तो, मैं तो स्वयं लवकुश समाज से आता हूं साथी और 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिस तरह टेम्पोरी कंस्ट्रक्शन में अभी आप बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी एक भव्य राम मंदिर की ओर ले जाए। 450 वर्षों तक हिंदू समाज, सनातन समाज लड़ता रहा, हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लड़ते रहे और भाजपा ने जब 1989 के बाद संकल्प लिया कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे
रोज हम लोगों से पूछा जाता था चुनाव में कि राम मंदिर नहीं बनेगा और भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। आज साथियों हमारे पूर्वज हमारे आराध्य और इस भारत के जो भगवान है भक्त प्रभु श्री राम, उनका 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। आज लवकुश समाज जिस तरह लगातार बिहार में भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, इससे स्पष्ट लगता है कि जो प्रभु श्री राम को लाया है उसी के साथ लवकुश समाज जाने का काम करेगा साथी। इसलिए मैं सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण किया, भाजपा को श्रेष्ठ बना रहा है और एक गारंटी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है, इस देश में जो गरीबों को लूटेगा भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी गारंटी भी स्पष्ट है साथियों, ये जो बिहार में बालू माफिया शराब माफिया और जमीन माफिया, इनको यदि इनसे अपराधियों से मुक्ति चाहते हैं एक बार भाजपा की सरकार दीजिए, या तो वो नेपाल में दिखेगा नहीं तो अपराधी मुक्त बिहार बने रहता है। कुछ नहीं हो सकता, बिहार को आगे बढ़ाना है तो अपराधी मुक्त बनाना पड़ेगा, तभी बिहार में सुशासन स्थापित हो पाएगा। आज 2,61,000 करोड़ का बजट है साथी, और मात्र 32,000 करोड़ हमारा राजस्व है। आप सोचिए बड़े भाई छोटे भाई ने जो 15 साल तक लालू जी ने कीचड़ फैलाया और 18 साल से नीतीश बाबू अब कीचड़ फैला रहे हैं, तो अब दोनों को 33 साल हो गया, 33 साल में 32,000 करोड़, मात्र 32,000 करोड़, 2,61,000 करोड़ में 32,000 करोड़ सिर्फ बिहार देता है, 2,00,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार देती है सर। इसलिए जो 33 वर्षों का लालू और नीतीश का कीचड़ है, अब उस कीचड़ में भाजपा का कमल खिलाने का काम कीजिए साथियों, यही आग्रह करूंगा। इसे यार सभी लोगों ने जो भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है, सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।